Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you the question and answer solutions of chapter number 5th from a class 8 science book. So let us start the question answer discussion. The first question is this, which of the following cannot be charged easily by friction? तो जैसे हमने इस chapter में discuss किया कि किसी भी चीज़ को जब हम रगड़ते हैं, जैसे ये प्लास्टिक का पेन है, इसको मैं किसी वुलन क्लोथ से, जैसे मैंने स्वेटर पहना, इससे मैं ऐसे रगड़ूंगी, ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद इस प्लास्टिक के पेन पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। हमने इसको एक्सपेरिमेंट से भी करके देखा, तो ये जो चार्ज होता है, जो इकट्ठा हो जाता है इस प्लास्टिक के पेन पे, इसको क्या कहते हैं हम, इसको स्टैटिक चार्ज कहते हैं या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब ये होता है रुका हुआ, ठीक है। तो जो चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फ्लो ऑफ चार्ज। जो चार्ज होते हैं वो फ्लो करते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्लो करते हैं, उनके जो चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से, एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। चार्ज का फ्लो होना को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन क्योंकि ये जो है प्लास्टिक, इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो इसके ऊपर जब भी चार्ज आएगा तो वो वहीं रुका हुआ होगा। जिस एरिया को मैंने रगड़ा वही एरिया केवल चार्ज होगा, ये नहीं कि ये वाला एरिया भी चार्ज हो जाएगा, है ना। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज इजिली बाय फ्रिक्शन, रगड़ने से हम कौन सी चीज़ को इजिली चार्ज नहीं कर सकते हैं, इसमें आंसर है ए प्लास्टिक स्केल। जो प्लास्टिक की स्केल, जो लाइन खींचने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम चार्ज नहीं कर सकते। कर सकते हैं, आपने प्लास्टिक की स्केल को रगड़ के फिर उससे पेपर उठाए होंगे, है ना, क्लास में किया होगा। फिर कॉपर रॉड, कॉपर रॉड किसकी बनी रहती है, कॉपर रॉड तो मेटल की बनी रहती है। अब मेटल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम उसको चार्ज करें भी, रगड़ेंगे, हो सकता है चार्ज हो, लेकिन वो क्या है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो चार्ज को फट से ट्रांसफ़र कर देगा, तो वो चार्ज हमें कभी दिखेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि वो तो कंडक्ट कर दे रहा है जो चार्ज, उसको एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट करके, तो फिर हमने उसको एक जगह से पकड़ भी रखा है, तो वो हमारी बॉडी के थ्रू वापस ज़मीन में चला जा रहा है। तो हम जो है किसी भी मेटल की चीज़ को इस तरह से रगड़ के, फ्रिक्शन करके चार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी, अ कॉपर रॉड। एंड वी कैन सी द थर्ड ऑप्शन, डैट इज सी ऑप्शन इज इन्फ्लेटेड बलून। इन्फ्लेटेड बलून भी प्लास्टिक का बना रहता है। और वुलन क्लोथ, वुलन क्लोथ भी जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो आंसर क्या होगा, अ कॉपर रॉड, ठीक है। सो ओनली नॉन कंडक्टिंग मटेरियल कैन बी चार्ज इजिली बाय फ्रिक्शन, ठीक है। कॉपर इज हाईली कंडक्टिंग मटेरियल, देयरफॉर अ कॉपर रॉड कैन नॉट बी चार्ज इजिली बाय फ्रिक्शन। फाइन, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। फाइन, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद ए पीस ऑफ सिल्क क्लोथ द रॉड, तो आगे का सेंटेंस हमको पूरा करना है, ठीक है, कि जब हम किसी ग्लास रॉड को रब करते हैं किसी सिल्क के कपड़े से, ठीक है, तो रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है और सिल्क के कपड़े के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो बाय कन्वेक्शन, ऐसे हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने किए, बहुत सारी चीज़ों को देखा, तो हमने ये पाया कि जो ग्लास का सरफेस होता है, कांच का, ग्लास मतलब कांच की जो चीज़ें होती हैं, ग्लास रॉड होती है, उसके ऊपर रगड़ करने से उसके ऊपर जनरली पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, और सिल्क के कपड़े के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो इसका आंसर है बी, ठीक है, द रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज वाइल द क्लोथ हैज़ अ नेगेटिव चार्ज। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज बाय रबिंग इट अगेंस्ट अनदर ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट गेट अपोजिटली चार्ज। तो जब हम दो चीज़ों को रगड़ते हैं तो एक चीज़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आता है, तो दूसरी ऑब्जेक्ट जिससे कि हमने उसको रगड़ा है उसके ऊपर ठीक उसका अपोजिट चार्ज आता है, ठीक है। बाय कन्वेक्शन इट इज कंसिडर्ड दैट द चार्ज एक्वायर्ड बाय द ग्लास रॉड इज पॉजिटिव एंड चार्ज एक्वायर्ड बाय क्लोथ इज नेगेटिव, देयरफॉर द रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड द क्लोथ बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है कि हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। फाइन, सो लेट्स टेक द फर्स्ट स्टेटमेंट, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस मतलब, लाइक मतलब जैसे दो तरह के चार्जेस होते हैं, हमने जैसे डिस्कस किया था बुक के एक्सप्लेनेशन में, दो तरह के चार्जेस होते हैं, कौन कौन से, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे लाइक चार्जेस से क्या मतलब हो रहा है, मतलब जैसे कि अगर ये
पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों एक जैसे चार्जेस है ना, तो इनको हम क्या कहेंगे, दे आर लाइक चार्जेस। और ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या है, ये दोनों भी लाइक चार्जेस हैं, है ना, लाइक चार्जेस हैं। और लेकिन अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों क्या है, ये अनलाइक चार्जेस है। तो अगर दो सरफेसेस पे दोनों पे ही पॉजिटिव चार्ज है, तो वो दूसरे को धक्का देंगे, रिपल करेंगे, ठीक है। और दोनों ही सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है, तो भी वो एक दूसरे को धक्का देंगे, रिपल करेंगे। लेकिन एक सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, एक सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। सो लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये स्टेटमेंट क्या हुई, फॉल्स हुई, क्योंकि लाइक चार्जेस तो धक्का देते हैं, रिपल करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। और दूसरा स्टेटमेंट है, ए चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट्स ए चार्ज्ड प्लास्टिक स्ट्रॉ। तो जैसे हमने कहा, जो ग्लास का रॉड होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो प्लास्टिक का स्ट्रॉ होता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, उसके ऊपर जनरली नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या, ग्लास रॉड पॉजिटिव और प्लास्टिक स्ट्रॉ नेगेटिव, तो अपोजिट चार्जेस हुए, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, सो दे वुड बी अट्रैक्टिंग ईच अदर, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, फाइन। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट नंबर थ्री, लाइटनिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रोटेक्ट अ बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग। तो जो लाइटनिंग कंडक्टर लगा रहता है बिल्डिंग्स के ऊपर, बड़ी सी रॉड लगी रहती है कि कभी बिजली गिर जाए जो बिल्डिंग के ऊपर, तो उस कंडक्टर के थ्रू उसका दूसरा सिरा जो है वो अर्थिंग में होता है, ग्राउंड में कनेक्टेड होता है, तो उसी से बिजली के लाइटनिंग से हम जो है बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, वो प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब हम देखते हैं डी, अर्थक्वेक कैन बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। तो क्या हम अर्थक्वेक को एडवांस में प्रिडिक्ट करके रख सकते हैं, एडवांस में मतलब पहले से ही प्रिडिक्ट करके रख सकते हैं कि कल अर्थक्वेक आने वाला है, ऐसा कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। हम ये जानते हैं कि अर्थक्वेक कैसे आता है, क्यों आता है, क्योंकि अर्थ के अंदर बहुत सारी प्लेट्स होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जो कि खिसकती रहती हैं धीमी धीमी गति से, लेकिन कभी ये बहुत तेज़ खिसकती हैं किसी किसी जगह पे, तो उससे हमें अर्थक्वेक आता है, ठीक है। हमें मैकेनिज्म तो पता है, लेकिन ये कब आएगा, कहाँ आएगा, ये हम नहीं बता सकते। सो वी कैनॉट प्रिडिक्ट द अर्थक्वेक, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, ठीक है। सो समटाइम्स ए क्रैकलिंग साउंड इज हर्ड वाइल टेकिंग ऑफ ए स्वेटर ड्यूरिंग विंटर्स, एक्सप्लेन। तो जब आप रात को सोने जाते हैं तो स्वेटर उतार के सोते हैं, या आप कपड़े बदलते हैं तो स्वेटर उतारते हैं ना, तो कट 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 के साउंड आती है ना स्वेटर में से, कुछ लगता है कि अगर स्वेटर को बहुत तेज लाइट ऑफ करके स्वेटर को ऐसे से रगड़िए, तो आपको स्वेटर में से जैसे माचिस जलाते वक्त आती है लाइटनिंग, उस तरह की लाइटनिंग्स होंगी, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। सो इसका रीज़न यही है कि व्हेन अ स्वेटर इज टेकन ऑफ द वुलन स्वेटर गेट चार्ज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द स्वेटर एंड द बॉडी। तो जब स्वेटर को हम रगड़ते हैं तो वो चार्ज हो जाता है रगड़न से, फ्रिक्शन से, ठीक है। हैंस वन कैन हियर अ क्रैकलिंग साउंड ड्यूरिंग द गिवन प्रोसेस। तो इसीलिए जब हम स्वेटर को निकालते हैं या रगड़ते हैं तो उससे क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, क्योंकि उसमें चार्ज डेवलप हो जाता है, फाइन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, एक्सप्लेन व्हाई ए चार्ज बॉडी लूजेस इट चार्ज इफ इट टच इट विद अवर हैंड। जैसे हमने किसी प्लास्टिक स्ट्रॉ को चार्ज किया, ठीक है, ऐसे ऐसे रगड़ा, ऐसे रखा हुआ है और हमने उसको रगड़ दिया, ये वाला पोर्शन जो है चार्ज करके यहाँ से रख दिया। अब इसी पोर्शन को मैंने हाथ से छू लिया, ठीक है, अब ये पोर्शन चार्ज नहीं रहेगा। जैसे मैंने इसको चार्ज किया, ऐसे ऐसे रगड़ा और ऐसे ऐसे मैं पेपर के छोटे छोटे टुकड़े उठाने लग गए और ये पेपर के छोटे छोटे टुकड़े यहाँ चिपकने लगे, और अगर मैं इसको ऐसे छू दूँगी यहाँ पे, ठीक है, जिस पोर्शन को चार्ज किया, तो वो उसका जादू वाला इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी जो है वो एक अर्थिंग का काम करती है, जो ह्यूमन बॉडी है इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक तरीके से कह सकते हो, हम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इसी वजह से हमें शॉक भी लगता है, फाइन। सो व्हेन वी टच ए चार्ज ऑब्जेक्ट आवर बॉडी कंडक्ट इट्स चार्ज टू द अर्थ, दैट इज व्हाई ए चार्ज बॉडी लूजेस इट्स चार्ज इफ वी टच इट विद अवर हैंड। दिस फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं, फाइन। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, नेम द स्केल ऑन विच द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड। तो अर्थक्वेक की जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, क्योंकि अर्थक्वेक आता है तो हमेशा डिस्ट्रक्शन ही लाता है ना, ज़्यादातर तो बिल्डिंग्स टूट जाती हैं, रोड फट जाती हैं, खाई बन जाती है,
इसको किस स्केल पे नापा जाता है ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। एन अर्थक्वेक मेजर्स 3 ऑन दिस स्केल, इसी स्केल पे इनको 3 का मेजरमेंट मिला है, ठीक है, अर्थक्वेक के। वुड इट बी रिकॉर्डेड बाय अ सिस्मोग्राफ, एक सिस्मोग्राफ से रिकॉर्ड होगा, जो अर्थक्वेक को इंस्ट्रूमेंट जिससे हम अर्थक्वेक को नापते हैं उसको क्या कहते हैं हम, सिस्मोग्राफ। इज़ इट लाइकली टू कॉज मच डैमेज, क्या 3 स्केल के जो सिस्मोग्राफ पे रिकॉर्डिंग आई है उससे क्या ज़्यादा डैमेज होगी कि नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन हमें यही बताना है कि जो अर्थक्वेक आता है इसको किस यूनिट में नापा जाता है, ठीक है। सो एक नाम है रिक्टर स्केल, RICHTER, रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल पे हम अर्थक्वेक की जो तीव्रता है, जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का बहुत बच्चों ने मुझसे मतलब पूछा, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज़ हम लेते हैं तो उसकी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और एक होता है उसकी यूनिट। तो जैसे यहाँ पे आप रिक्टर स्केल देख रहे हैं, रिक्टर स्केल जो है भूकंप को जो है जब नापा जाता है तो उसको रिक्टर स्केल पे कहते हैं। जैसे आप सब्जी लेते हैं, आलू लेते हैं तो उसको केजी में नापते हैं, जब दूध लेते हैं तो लीटर में नापते हैं, है ना, जब टाइम बताते हैं तो सेकंड्स में बताते हैं, जब डिस्टेंस बताते हैं तो किलोमीटर्स में बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई यूनिट, लेकिन कितना हमने आलू लिया, कितना दूध लिया, कितना हमने जो है बाकी चीज़ें खरीदी, ठीक है, तो उसका जो अमाउंट होता है उसी को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो भूकंप है, जो अर्थक्वेक है, उसका जो मैग्नीट्यूड कितना है, 3 है, और उसकी यूनिट क्या है, रिक्टर, ठीक है, यानी 3 रिक्टर का अर्थक्वेक आया था। अगर 4 का आता तो मैग्नीट्यूड 4 हो जाता, जैसे फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है। अब लेकिन फोर्स की यूनिट तो न्यूटन है, लेकिन कितना फोर्स लगा, 4 लगा, 4 न्यूटन लगा, 5 न्यूटन लगा, 10 न्यूटन लगा। तो जो 4, 5, 10 मैं कह रही हूँ ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, जो नंबर होता है, न्यूमेरिकल होता है, उसी को मैग्नीट्यूड कहते हैं हम, ठीक है। सो द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय रिक्टर स्केल, फाइन। द स्केल हैज़ द रीडिंग फ्रॉम 1 to 10। तो ये जो स्केल है इसके ऊपर 1 से लेकर 10 रीडिंग तक हम भूकंप को नाप सकते हैं, अर्थक्वेक को मेजर कर सकते हैं रिक्टर स्केल पे, ठीक है। द रीडिंग ऑफ मैग्नीट्यूड 3 ऑन द रिक्टर स्केल वुड बी रिकॉर्डेड बाय अ सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ जो है 3 रीडिंग्स को रिकॉर्ड कर लेगा, 1 से लेकर 10 तक की रीडिंग है रिकॉर्ड कर सकता है। 10 से ऊपर का भूकंप आएगा तो सिस्मोग्राफ नहीं, उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, वो 10 तक के अर्थक्वेक को ही रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है। अब है कि इफ़ द रिक्टर स्केल गिव्स अ रीडिंग ऑफ मैग्नीट्यूड 3 देन द अर्थक्वेक इज नॉट लाइक टू कॉज मच डैमेज। अगर 3 रिक्टर स्केल का जब अर्थक्वेक आता है तो इट वुड नॉट कॉज मच डैमेज, मतलब हल्का भूकंप है, ठीक है। जनरली द अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड हायर देन 5 इज कंसिडर्ड डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। 5 या उससे ऊपर के जो मैग्नीट्यूड के भूकंप होते हैं, अर्थक्वेक होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं, फाइन। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। सजेस्ट 3 मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम लाइटिंग। लाइटिंग मतलब बिजली चमकना, जिस दिन खूब बारिश हो रही हो, खूब ज़ोर ज़ोर से बिजली चमक रही हो, तो उस दिन हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, अगर हम बाहर निकल गए हैं तो, ठीक है। पहली बात तो हमें उस दिन बाहर जाना अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और कुछ एरिया में बिजली गिरने की घटनाएं ज़्यादा होती हैं, तो जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ की थोड़ी सी आप जो है जनरल नॉलेज रखिए कि हाँ इस एरिया में बिजली गिरने की घटनाएं कॉमन है, सो यू शुड अवॉइड, आप जो है उस दिन कम जो है बाहर निकलिए, ठीक है। सो पहला प्रोटेक्टिव मेजर हम क्या ले सकते हैं, स्टे इन ए कम्प्लीटली क्लोज्ड प्लेस। तो बिजली जैसे गिरती है तो अगर वो किसी कंडक्टिंग सरफेस पे गिरी तो आप तक नहीं पहुंचेगी, है ना, उसी के ऊपर गिर करके वो सीधे अर्थिंग में चली जाएगी, अर्थ में चली जाएगी, तो आपको कोई हार्म नहीं होगा। जैसे कि इसका एग्जांपल है कार, कार जो है पूरी मेटल की बनी रहती है, शीशे के उसके ग्लासेस रहते हैं, तो अगर आप शीशा चढ़ा के पूरे अच्छे से क्लोज कार में बैठे तो आप ज़्यादा सेफ हैं लाइटनिंग के प्रोसेस में, ठीक है। सो स्टे इन ए कम्प्लीटली क्लोज्ड प्लेस, इफ़ यू आर मूविंग इन ए कार देन रिमेन देयर अंटिल द लाइटनिंग इज ओवर।
क्लोज द विंडोज ऑफ द कार इमीडिएटली, मतलब पूरी तरीके से कार में बंद होना चाहिए, ठीक है। आप एसी चला लीजिए क्योंकि कार में घुटन हो जाएगी ना, लेकिन पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। और दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, डू नॉट टच एनी इलेक्ट्रिकल वायर्स, टेलीफोन केबल्स, मेटल पाइप एक्सेट्रा। तो कोई भी मेटल की चीज जैसे इलेक्ट्रिकल वायर, टेलीफोन केबल्स, क्योंकि जब लाइटनिंग की प्रोसेस हो रही होती है, घटनाएं हो रही होती हैं, तो कभी कभी इन वायर्स में भी बिजली गिर जाती है, और अगर आप टेलीफोन उठाएंगे तो आपको शॉक लग सकता है, ठीक है। मेटल पाइप्स जैसे पानी की पाइप्स हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स, उनको मत छूइए, आपको शॉक लग सकता है, ठीक है। और तीसरी चीज़ है, डू नॉट बाथ इन रनिंग वाटर। तो जब बारिश हो रही हो, बिजली चमक रही हो, तो आप नहाने मत चले जाइए, क्योंकि हो सकता है आपकी बिल्डिंग की छत के ऊपर बिजली गिर जाए और वहाँ पानी के थ्रू जो है, क्योंकि पानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, पानी के थ्रू आप नलका ऑन करें, आपको शॉक लग जाए, क्योंकि नलका भी मेटल का है, पानी गुड कंडक्टर है, आपको शॉक लग सकता है, ठीक है। सो इट मे कॉज एन इलेक्ट्रिक शॉक, फाइन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन वाई अ चार्ज बलून इज रिपल्ड बाय अनदर चार्ज बलून, वेयर एज एन अनचार्ज बलून इज अट्रैक्टेड बाय अनदर चार्ज बलून, ठीक है। अब एक चार्ज, जैसे बलून है, हमने उसको चार्ज किया, ठीक है, दूसरे बलून को भी चार्ज किया, अब दोनों ही बलून्स पे एक जैसे चार्ज आ गए, है ना, नेगेटिव नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों पे हैं, तो ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, एक जैसे चार्जेस हैं, तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, धक्का देंगे। लेकिन एक बलून को हमने चार्ज किया, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, लेकिन दूसरे बलून को हमने चार्ज ही नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो अब ये जो बलून है, जो अनचार्ज्ड है, वो दूसरे बलून जो कि नेगेटिवली चार्ज है, उसको रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा, वो बलून उसको अट्रैक्ट करेगा। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज का बलून है, जब हम इसे अनचार्ज्ड बॉडी के पास में लाते हैं, तो वो दूसरे बलून के ऊपर एक इंडक्शन इफेक्ट देता है, इंड्यूस करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज को, मतलब अपोजिट चार्ज को, ठीक है। जैसे जो चार्ज बलून है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो अगर इसके पास में हम अनचार्ज्ड बलून लाएं, तो अनचार्ज्ड बलून के ऊपर ये चार्ज्ड बलून इंड्यूस करेगा इसके अपोजिट चार्ज को, यानी पॉजिटिव चार्ज को, और इस तरीके से वो अनचार्ज्ड बलून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर यही है, द नेचर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ चार्ज बलून आर सिमिलर, सिंस लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, द टू चार्ज्ड बलून रिपेल ईच अदर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो यही हो गया, ठीक है, इसी वजह से लाइक चार्जेस होने की वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। When a charged balloon is brought near an uncharged body, the uncharged body acquires charges on its surface caused by the induction of charges. ठीक है, the charges are of opposite nature in relation to the charged body. Since unlike charges attract each other, the charged body always attract an uncharged body. तो सिंपल सा फंडा यही है कि जब कोई charged body और uncharged body आपस में पास आती हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, फाइन। सो हैंस एन अनचार्ज बलून इज अट्रैक्टेड बाय अनदर चार्ज बलून, फाइन। अब हम देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे मुझे इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछते हैं लाइव स्ट्रीम में, बट ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो लाइव स्ट्रीम में इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं दिया था। सो अब आप इसको देखिए, और जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसके डायग्राम को भी बनाना सीख जाइएगा, ठीक है। डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एंड इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज टू डिटेक्ट ए चार्ज्ड बॉडी। तो किसी भी बॉडी पे, किसी भी चीज़ के ऊपर कोई किसी तरह का चार्ज है कि नहीं है, हम कैसे पता कर सकते हैं, उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्कोप बनाया गया है, ये बिल्कुल बेसिक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप है, अभी बहुत सारे एडवांस तरह के भी इलेक्ट्रोस्कोप आ गए हैं जो कि मार्केट में यूज़ करते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करते हैं कि कुछ बिजली पैदा हुई कि नहीं पैदा हुई, है ना, नापने के लिए। तो जो ये एक बेसिक फंडामेंटल सा जो इलेक्ट्रोस्कोप दिया गया है, ठीक है। सो इसको क्या कहते हैं, इस बॉडी को, इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी यूज टू डिटेक्ट वेदर ए बॉडी इज चार्ज और नॉट। तो इलेक्ट्रोस्कोप ही वो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम बता सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी तरह का चार्ज है या नहीं है, ठीक है। द फॉलोइंग फिगर शो अ सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये एक इलेक्ट्रोस्कोप है। इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है, जैसे आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, एक यहाँ पे एक फ्लास्क लिया गया है, ठीक है। फ्लास्क के अंदर एक जो है ये
ये जो पोर्शन देख रहे हैं आप, ये मेटल की फॉइल है, मतलब एल्यूमिनियम फॉइल है, ठीक है। और ये एक रॉड है जो कि मेटल की रॉड है, और यहाँ पे कॉर्क ले लिया गया है जिससे ढक दिया गया है ताकि अंदर एयर का डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एक मेटल है इसके ऊपर एक गोल सा डिस्क है ये, ठीक है। तो क्या करना होता है कि जब भी कोई चार्ज बॉडी है, जैसे ये पेन ही है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस पेन को अगर मैं इससे टच करा देती हूँ, ठीक है, इस पेन को मैंने इससे टच करा दिया, ये गोल सा जो डिस्क देख रहे हैं ना, इससे मैंने इसको टच करा दिया, तो अगर इसके ऊपर जो भी चार्ज है वो चार्ज क्या होगा, ये क्योंकि मेटल का बना हुआ है, ठीक है, ये मेटल का बना हुआ है तो ये गुड कंडक्टर ऑफ चार्ज है, ठीक है। तो जब ये चार्ज इसके ऊपर मैंने इसको टच कराया तो ये चार्ज इस मेटल के थ्रू यहाँ तक अंदर गया और ये एल्यूमिनियम फॉइल्स के ऊपर भी आ गया। तो जो भी चार्ज होगा इसके ऊपर, तो ये मेटल फॉइल्स जो होती हैं इनके ऊपर जब एक जैसा चार्ज आएगा तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, दूर हट जाएंगी, है ना। तो जब दूर जैसे अपनी पोजीशन से दूर हट जाएंगी, यहाँ एक यहाँ चली जाएगी, एक यहाँ चली जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि जो बॉडी हमने टच कराई है उसके ऊपर किसी तरीके का चार्ज था जो कि अब दोनों पे आ गया, इस वजह से दोनों पीछे हट गए। अगर कुछ भी चेंज नहीं होगा, यानी हम समझ जाएंगे कि जो हमने चीज़ टच कराई है उसके ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं था, नहीं तो ये मतलब या तो पॉजिटिव चार्ज हो या तो नेगेटिव चार्ज हो, किसी भी तरीके का चार्ज हो, ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगी। अगर कोई चार्ज नहीं होगा तो ये जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। तो ये एक बहुत सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्कोप, जिसकी की मदद से हम बता सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी तरह का चार्ज है या नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अब इसकी एक डिटेल में जो आंसर है आप नोट डाउन कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए मेटल रॉड, एट वन एंड ऑफ द रॉड टू लीव्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल आर फिक्स्ड एंड एट द अदर एंड देयर इज ए मेटल डिस्क। द लीव्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल आर प्लेस्ड इनसाइड ए कोनिकल फ्लास्क एंड द फ्लास्क इज कॉर्क्ड टू आइसोलेट द लीव्स फ्रॉम एयर। जो लीव्स हैं यहाँ पे हम कह रहे हैं एल्यूमिनियम का जो पत्ते हैं ना जो नीचे में, ये जो एल्यूमिनियम के, इसी को हम एल्यूमिनियम लीव्स कह रहे हैं, ठीक है। सो व्हेन द मेटल डिस्क इज टच्ड विद अ चार्ज्ड बॉडी द एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। दिस हैपेंस बिकॉज सम ऑफ द चार्जेस ऑफ द बॉडी आर ट्रांसफर टू द स्ट्रिप्स थ्रू द मेटल रॉड। दिस मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। द नेचर ऑफ चार्जेस ऑन बोथ द लीव्स एंड द चार्ज बॉडी आर सिमिलर, हैंस बोथ द लीव्स ऑफ द एल्यूमिनियम फॉइल विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। इफ द बॉडी वॉज नॉट चार्ज देन द लीव्स ऑफ द फॉइल वुड रिमेन एज दे वर बिफोर, दे वुड नॉट रिपेल ईच अदर। अगर किसी भी जिस चीज़ को हमने टच कराया उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा तो जो एल्यूमिनियम लीव्स हैं वो एज इट इज रहेंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लिस्ट थ्री स्टेट्स इन इंडिया वेयर अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू स्ट्राइक। सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक इंडिया में कहाँ कहाँ किन किन जगहों पे आती हैं, ठीक है। सो द थ्री स्टेट्स इन इंडिया वेयर अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू स्ट्राइक आर जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात एंड असम। तो जो सबसे ज़्यादा हिट लिस्ट पे एरिया है वो जम्मू एंड कश्मीर है, गुजरात है और असम। और इन्हीं तीनों राज्यों में, इन्हीं तीनों स्टेट्स में आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ इवेंट्स पे सुने होंगे कि कभी कश्मीर में आ गया, कभी गुजरात में आया, कोई असम में आया, अर्थक्वेक्स यहाँ पे कॉमन है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सपोज यू आर आउटसाइड योर होम एंड एन अर्थक्वेक स्ट्राइक्स, वॉट प्रिकॉशन वुड यू टेक टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। आप सपोज करिए कि आप घर के बाहर हैं और अचानक से भूकंप आ गया, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। सो सम ऑफ द प्रिकॉशंस आर एज फॉलोज, ठीक है। ट्राई टू फाइंड एन ओपन फील्ड अवे फ्रॉम टॉल बिल्डिंग्स इंस्टॉलेशंस टॉल ट्रीज एंड इलेक्ट्रिक वायर्स एंड पोल्स। तो आप एकदम खुले मैदान में चले जाइए जहाँ कोई बिजली के खंभे ना हो, बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स ना हो, किसी तरह की कोई कंस्ट्रक्शन वर्क ना हुआ, मतलब पेड़ पौधे इन सब से दूर, बिल्कुल खुले मैदान में, प्ले ग्राउंड में जिसको कह सकते हो, अगर भूकंप आया तो, ठीक है। इफ़ ट्रैवलिंग इन ए कार और बस, ठीक है, इफ़ ट्रैवलिंग इन ए बस और ए कार देन डू नॉट कम आउट व्हेन एन अर्थक्वेक स्ट्राइक्स, आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव इन एन ओपन फील्ड। और अगर आप गाड़ी में चल रहे हैं, बस में, कार में चल रहे हैं, तो आप जो है कार और बस से उतरिए मत, आप उसमें ज़्यादा सेफ हैं, ठीक है। और ओपन फील्ड मतलब खुली जगह की तरफ चलिए, ताकि जैसे भूकंप में कभी कभी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, कभी खंभे गिर जाते हैं, कभी पेड़ ही गिर जाते हैं, तो कोई चीज़ उसके ऊपर गिर ना जाए। तो खुले मैदान की तरफ जाइए जहाँ कोई किसी तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क ना हुआ हो, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
the weather department has predicted that a thunderstorm is likely to occur in a certain day. On a certain day, suppose you have to go out on that day, would you carry an umbrella? Explain. Thunderstorm मतलब जब खूब बिजली चमकती है, ठीक है, खूब जोरों से बारिश भी होती है और बिजली भी चमकती है. तो अब बारिश हो रही है तो अपने आप को किससे बचाना है, अम्ब्रेला लेना ही पड़ेगा, है ना. लेकिन थंडर स्ट्रॉम है मतलब बिजली के साथ साथ बारिश भी होगी, तो आप उस दिन छाता लेके जाएंगे क्या? नो. जिस दिन थंडर स्ट्रॉम है उस दिन आप घर से बाहर ही मत निकलिए, क्योंकि उस दिन बारिश होगी, आप भीग जाएंगे. लेकिन आप उस दिन अम्ब्रेला नहीं कैरी करिए. क्यों? क्योंकि अगर अम्ब्रेला का सरफेस एरिया भी ज़्यादा होता है और अम्ब्रेला का जो हैंडल होता है वो मेटल का बना हुआ रहता है, ठीक है, और मेटल जो है इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो अगर लाइटनिंग स्ट्राइक हो गई अम्ब्रेला के ऊपर तो आपको शॉक लग जाएगा. सो नो, वी वुड नॉट कैरी एन अम्ब्रेला इन ए थंडर स्ट्रॉम. ड्यूरिंग थंडर स्ट्रॉम विच आर एकम्पनीड विद लाइटनिंग, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फ्रॉम द क्लाउड्स कैन ट्रेवल थ्रू द मेटालिक रॉड ऑफ एन अम्ब्रेला. दिस मे गिव एन इलेक्ट्रिक शॉक टू द पर्सन हु इज कैरिंग इट. हैंस इट इज़ नॉट सेफ टू कैरी एन अम्ब्रेला ड्यूरिंग लाइटनिंग. इसीलिए लाइटनिंग थंडर स्ट्रॉम के समय में आपको अम्ब्रेला नहीं कैरी करना चाहिए. बहुत ज़रूरी है तो आप रेन कोट पहन के निकलिए. फाइन. सो आई होप डैट आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे इस क्वेश्चन आंसर डिस्कशन से. एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई. थैंक यू.